हाँ जी मित्रों, तो अब आज जा रहे हैं भाई वैक्सीन लगवाने के लिए। एंड लेट्स होप सब कुछ बिल्कुल ठीक जाए। चश्मा बस फिजलता है, चश्मे वालों की अलग प्रॉब्लम है। एंड रूल वन डबल मास्क, रूल टू सैनिटाइज़र, रूल थ्री फेस शील्ड जो मेरे हाथ में है, एंड मैंने पानी की बॉटल भी जो है वो साथ ले ली है। और देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, एक्सपीरियंस जानिएगा और जल्दी से वैक्सीन लगवा लीजिएगा। पापा जी को मैंने जो है वो बुला लिया है, क्योंकि मतलब मैं पापा को पिक करने जा रहा हूँ, फिर पापा मेरे साथ जो है वो चलेंगे। आई थिंक एक से भले दो, लेट्स सी क्या होता है। निभा को भी हम वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है ना कि घर में मैं, निभा, चीकू, मिष्टी चार लोग हैं, और अगर दोनों ने वैक्सीन लगा ली और दोनों को बुखार वगैरह हुआ, कुछ दिक्कत हुई, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वन बाय वन, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली ग्रेजुअली, और पता भी चल जाएगा कि क्या इम्पैक्ट डाल रही हो मेरे ऊपर या आगे हमने जो है वो कैसे चीज़ों का ध्यान रखना है। इसको अपना काम करने दो, हल्का फीवर आता था, ये अपना काम कर रही है, बोल रही है। तो भाइयों, मिशन वैक्सीन जो है वो हो गया कंप्लीट। और अरेंजमेंट्स, ये पनहेड़ा जगह है हरियाणा में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अरेंजमेंट्स आई विल से 6/10, बहुत एक्चुअली लोगों की वजह से जो है वो अरेंजमेंट थोड़े गड़बड़ थे। जो गवर्नमेंट के अरेंजमेंट्स है वो सही हैं, कुछ लोग ऐसे यहाँ पे भाई धक्का मुक्की करने की कोशिश कर रहे थे, बिना समझदारी के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, बट ठीक है। A few moments later, मिशन वैक्सीन फर्स्ट डोज तो कंप्लीट हो गया है। और वैक्सीन देने वालों ने मैं साफ बोला कि बीवी कुछ ना बोले आज, एक हफ्ते तक बीवी को शांत रहना है, मतलब बीवी खुश रखोगे तो तुम भी ठीक रहोगे, ऐसा बोला उन्होंने। मेरे को पता है बीवी खुश तो तुम खुश। आई नो, उन्होंने उन्होंने बोला है बीवी को समझाएं कि अब इस समय एक अगले एक हफ्ते पति के बारे में, पति को परेशान ना करें, उन्हें एकदम सराखों में रखा जाए, ऐसा मौका ना दे कि पति परेशान हो, ठीक है। तो गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, गो एंड गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। सिस्टम इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी स्मूथ, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अभी मेरे साथ क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। और ये आ गई मिष्टी, मिष्टी के भी पियानो की आवाज़ आप लोग सुन रहे थे, मिष्टी पीछे पियानो प्ले कर रही थी। अब भाई भूख लग रही है बहुत ज़ोर से नहा धोने के बाद, अब पेट पूजा करेंगे। और निभा ने आज फिर से वो मैं कैसे दिए, कैसे दिए, अब कैसे दिए, ये ऐसी ये ना, मतलब क्या बताऊँगा तुम्हें, बताऊँगा मैं, बताऊँगा तुम्हें आराम से कैसे दिए, क्या कारण है। बोले पापा, मम्मा, रेड, दादू, दादू नहीं बोलेगी है ना, बोलो दादू, बोलो दादू, अच्छा बोलो टम टम, बोलो टम टम, चिकु बोल दे टम टम। एक्चुअली आज क्या है, आज मैंने मिष्टी को चैलेंज दिया है कि मिष्टी बताएगी मेरे फेस के एक्सप्रेशन क्या है, मैं मास्क पहन के रखूंगी, ठीक है मिष्टी। चलो नंबर वन स्टार्ट, ठीक है, अब बताना, ठीक है। एंग्री एंग्री एंग्री, अच्छा अब ठीक है। थॉट थॉट, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, यस, अब बताना। स्लीपी, यस, क्या बात है मिष्टी, अच्छा अब बताना, अब बताना। क्या मिष्टी, पता चल रहा था सब कुछ है। अरे अब लास्ट, अब लास्ट 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 वाला बताना आप। कर रही हो क्या? थॉट, पता चल गया ये भी, देखो क्या बात है मिष्टी, वेरी गुड। अब चैलेंज है मिष्टी का, मिष्टी कुछ सोच रहे हो? हाँ, थिंकिंग, कंफ्यूजन नहीं, एक्साइटेड एक्साइटेड, अच्छा ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, स्कैरी स्कैर, हाँ 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 स्कैर, हाँ ओके, नेक्स्ट स्लीपी, नहीं स्लीपी वाला नहीं, तो फिर क्या था ये हो गया ना स्लीपी वाला, अच्छा ये क्या था फिर जो आपने अभी किया था, ये वाला, हाँ रूनी के टाइप में सैड, हाँ ओके, और लास्ट लास्ट
हैप्पी? यस। तो आज मैं आपको नीरज का एक सीक्रेट बताती हूँ। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि अगर नीरज को वो डिश पसंद आ जाए तो भाई फिर कोई टाइम नहीं है। क्या खाना है वही बना ले जो उस दिन बनाया था। जैसे पोहा बनाया तो पोहा पोहा पोहा, पनीर है तो पनीर पनीर पनीर, मतलब फिर दोस्त सुबह दोपहर शाम कुछ देखा नहीं जाएगा। तो अब ऐसी ही बारी आ गई है किसी कैसे दिया की। अब मैं कुछ पूछती हूँ क्या बनाओ तो बोलते नहीं कैसा दिया बना ले। तो लाइक ना बाहर आती है हमारे खाने की, मतलब एक बार नीरज को कुछ पसंद आ जाए ना तो फिर उसकी मौसम बन जाता है उसका खाने का। तो अब ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी थोड़े दिनों में बारी आने वाली कैसा दिया की। अब नीरज बोलने वाले नहीं वो टेस्ट नहीं आया जैसे। अरे भाई इतने दिनों तक सेम खाना खाओगे तो बोर हो जाओगे ना। मगर नहीं, गलती किसकी है? मेरी, निभा की गलती है, नीरज की गलती नहीं है। अभी अभी मिष्टी ने नमक पारे खाए हैं। आई थिंक आपको पता होगा नमक पारे क्या होते हैं। तो उसने वो भी खाए और मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना इस नमक पारे का भी एक हेल्दी वर्जन निकाला जाए। तो अब हम नमक पारे बनाने जा रहे हैं मैदे के नहीं, आटे के। लेट्स सी कैसे बनते हैं वो। तो ये है हमारा आटा, ये है हमारे नमक पारे का डिज़ाइन और ये है ऑयल और हम नमक पारे बनाने जा रहे हैं। मैंने शर्ट मैंने छोड़ दी, मेरी शर्ट अब निभा पहन रही है यार। एक तो वो मैं वेस्ट। अच्छी बात है, मैं तो कुछ कह रही हूँ। और गाइस आज घर पे ही बनाए हैं, क्या बोलते हैं मिष्टी ने? नमक पारे आज घर पे बनाए नमक पारे। एंड चीकू इज लविंग नमक पारे। चीकू वो देखो मक्के कैसे पा रहे, बब 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 करे। चीकू नमक पारा दिखाइयो भाई। चीकू नमक पारा है आपका? खा लिया। हाँ यही होता है नमक पारा। कैसा बना है? टेस्टी यम्मी, बोलो यम्मी। ए फिंगर नहीं, मम्मा। ये है नमक पारा है, टेस्टी वाला। तो हमारे आटे के नमक पारे रेडी हो चुके हैं। आज मैं सोच रही थी कि लोग आटे के नमक पारे क्यों नहीं बनाते, मैदे के क्यों बनाते हैं। तो मैंने सर्च किया, उससे मुझे पता चला कि आटे के नमक पारे ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते और मैदे के नमक पारे आप लंबा स्टोर कर सकते हो। इसलिए जो हलवाई हैं और पैकेट्स वगैरह में हैं वो सारे मैदे के मिलते हैं। तो ये आटे के तीन से चार दिन से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। और मुझे पता है मेरे बच्चे और मेरे पति मिल करके हार्डली इसको 2 दिन में ख़त्म कर देंगे और वो नहीं होगा और बना। यार कुछ ऐसी सी फीलिंग नहीं आ रही जैसे मैं अपने नमक पारों के एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। निभा के नमक पारे, करारे करारे, वारे वारे। कुछ भी। A few moments later. ये क्या कर रहा है? कैसे कैसे मुंह बना रही है? गंदा बेबी हो गया तो बहुत। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते हैं। और क्या कर रहा था अभी चिकू? ओह माय गॉड, क्या हो गया? अच्छा पोनी आधी खुली है आधी बंद है ना? शो भी। ओके ये दिखा रही है, ये आधी पोनी रह गई इसकी। मिस्टी को तो बहुत समझदार हो गया यार। अभी खोलते हैं, चलो अब बोल दो, बाय बाय कर दो, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट, फ्लाइंग किस कर दो। यहाँ पे देख के करते हैं ना बाबू, देखो यहाँ देख के करते हैं ना, फ्लाइंग किस कर दो। आहा, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। वैक्सीन लग गई और आज मैंने भाई मतलब अभी तक सच बता दूं मुझे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं देखा, भगवान ना करे दिखे, तो कोई थकान कोई बुखार ऐसा सच नहीं हुआ। बल्कि आज मैंने एक लाइव क्लास भी ली, बहुत दिनों बाद लाइव गया, बच्चों के साथ बातचीत करी और लगभग एक घंटा लाइव बैठा मैं बच्चों के साथ। सो इट वॉज गुड, नाइस एक्सपीरियंस, मज़ा आया। और आज निभा ने ही सारा व्लॉग शूट करा भाई, वही टेक ओवर हो गया। तो ये निभा व्लॉग्स है अभी, राइट? With this note guys, thank you very much, stay connected, stay here, jai hind, aur haan seekhte rahe kyunki seekhna band to jeetna band, bye bye, god bless you.